प्रदूषण कम करने के लिए स्मोक टावर का नाम तो कई बार सुना होगा आपने, लेकिन ये होता क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या होता है स्मोक टावर और ये हवा को कैसे साफ करता है। सर्दियां आते ही प्रदूषण बढ़ने लगता है। हाल ही में दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 के लगभग दर्ज किया गया। ये AQI का बहुत खतरनाक स्तर होता है। सर्दियों के दिनों में हर साल नोएडा और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सीवियर लेवल पर पहुंच जाता है। सवाल ये उठता है कि इसे कम कैसे किया जाए। न तो इन शहरों में चलने वाले वाहनों को रोका जा सकता है और न ही इंडस्ट्रीज बंद की जा सकती है। अगर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो स्मोक टावर सबसे अच्छा तरीका है। आइए जानते हैं कि ये होता क्या है और ये टावर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करता है। क्या होता है स्मोक टावर? स्मोक टावर एक फिल्टर मशीन की तरह काम करता है। ये टावर पानी के प्यूरिफायर की तरह हवा को प्यूरिफाई करता है। स्मोक टावर हवा में मौजूद हानिकारक कणों को छानकर अलग कर देता है और साफ हवा को वापस वातावरण में छोड़ देता है। इस तरह से प्रदूषित हवा साफ हो जाती है। स्मोक टावर कैसे काम करता है? स्मोक टावर में फिल्टर के लिए कई परतें होती है। ये HEPA फिल्टर तकनीक के आधार पर काम करता है। भारत में स्मोक टावर 24 मीटर की ऊंचाई पर हवा को अवशोषित करता है। स्मोक टावर की मैक्रो और माइक्रो लेयर हवा के बारीक और मोटे कणों को छानती है। इसके बाद हवा में प्रदूषित कणों को हटाकर शुद्ध हवा को 10 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। स्मोक टावर 25 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवा को शुद्ध करता है। एक स्मोक टावर 1 किलोमीटर के दायरे में दूषित हवा को साफ करता है। क्या है स्मोक टावर की संरचना? अगर भारत की बात करें तो स्मोक टावर की कुल ऊंचाई 24 मीटर होती है, जिसमें एक 6 मीटर ऊंची छत पर 18 मीटर की ऊंचाई वाला टावर लगा होता है। स्मोक टावर में चारों ओर से मिलाकर कुल 40 पंखे लगे होते हैं, जो प्रदूषित हवा को सोखने और साफ रखने का काम करता है। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।